एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट। मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, हमने दो प्रकार की साड़ियों से पट्टियाँ कट करके रखी हूँ। ये हमने ऊन लिया है, ऊन को किया है डबल फोल्ड और ये साड़ी को कट किया है। इसे हमने 1 इंच में कट किया है, ठीक है। इस तरीके से आप भी पट्टियाँ कट कर लें ताकि आपका डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत सा और सुंदर सा बन के रेडी हो। कलर कॉम्बिनेशन का मेन ध्यान रखें, जब भी डोरमेट बनाएं कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखें ताकि आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा खूबसूरत सा उभर के आए। तो इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिक बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप कोई डिज़ाइन देखते हैं तो क्या होता है कि हम उस डिज़ाइन को ढूंढते रह जाते हैं और हमें वो डिज़ाइन नहीं मिलती। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे ये होगा प्रॉफिट आपको कि आप जब भी डिज़ाइन देखना चाहें उस सब्सक्राइब के ऑप्शन पर जाके आप आसानी से डिज़ाइन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने फंदे डाल रखे हैं। फंदे डालने के बाद यहाँ पे हमने एक रो इसकी कंप्लीट की है, ठीक है। एक रो हमने सिंपल सी कंप्लीट की है और यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे हमने उल्टी सीधी साइड से दोनों साइड से एक रो कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हम दो फंदा छोड़ेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ से पलट लें, दो फंदा छोड़ते हुए यहीं से पलट लेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर की साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे सीधा लेंगे। लास्ट वाला फंदा हमेशा ध्यान रखें सीधी साइड से ही बुनें इस तरीके से, और यहीं से हम पलट लेंगे। इस देखिए यहाँ से अब इस फंदे को उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे से 1 2 3 अभी इस जगह पे ध्यान से देखिएगा इस तरीके से। अब इन फंदों को हमें बुनना है सिंपल तरीके से, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। इस डोरमेट में हम आपको बताएंगे दो तरह की डोरमेट। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे दो फंदा फिर से छोड़ेंगे और यहीं से पलट लेंगे। इसी प्रकार से हम दो दो फंदा छोड़ते हुए ऊपर की साइड यहाँ तक ही आएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से पहले हमने 1 1 2 3 4 5 पांच रो में हमने दो दो करके फंदे छोड़े, फिर उसके बाद 3 छोड़े 4 छोड़े और पांच लास्ट में हमारा 5 फंदा बचा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से इस तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ से एक, और इस धागे को हम टाइट करेंगे, ठीक है। आगे की साइड करेंगे 2 3। तो अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से जो हमने स्टेप्स बताते हैं उसी को आप फॉलो करते जाएं, आपका डिज़ाइन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ से सभी फंदों को बुनेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम पलट लेंगे, सीधी साइड से लेंगे। अब देखिए इसे उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे से हम बुनाई करेंगे स्टार्ट इस तरीके से। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को करें अभी सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़ जाएं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा कोई चार्ज नहीं पड़ता है, उल्टा आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट होता है सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज तो पड़ता ही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं सब्सक्राइब करूँगी तो मेरा पैसा कट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि अगर आप हमारी डिज़ाइंस को कभी बनाना चाहें या हमारे चैनल पर चेकआउट करना चाहें तो आप आसानी से हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं।
अगर नहीं करते हैं सब्सक्राइब तो क्या होता है कि आप उस चैनल को ढूंढते रहते हैं, आपको चैनल मिलता नहीं है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब के ऑप्शन पे जाके आप आसानी से हमारी डिज़ाइंस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं डेली एक वीडियो 10:30 बजे अपलोड करती हूँ, आप चाहे तो डेली चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन बनाने में अच्छा लगता है तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से पलट लेंगे, 2 फंदा छोड़ते हुए ऊपर की साइड पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट लग गई थी, तो यहाँ से हम इस तरीके से देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से क्या होता है। मैं इसलिए ये डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि आपको, जैसे आपके पास छोटा छोटा ऊन या सब बचे कुछ कपड़े, छोटे छोटे ब्लाउज के पीसेस होते हैं ना, कलर उसका अच्छा होता है, आपको डिज़ाइन बनाना है तो आप उसमें से कपड़ा कट करके इस तरीके से आसानी से डिज़ाइंस को बना सकते हैं। छोटी छोटी कलियों में आप डिज़ाइंस को बनाएंगे तो वो बहुत ही प्यारी से डिज़ाइंस आती हैं। आप इसे सतरंगी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा लगने वाला सतरंगी डिज़ाइन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी कल की होगी, वो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनेगी, तो मैं उसे आपको काफ़ी कलर्स में दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से अगर आप कल के डिज़ाइन को चेकआउट करेंगे तो एक न्यू डिज़ाइन आपको मिलने वाली है। तो इस तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ से पलट लेंगे 2 फंदा छोड़ते हुए, आप देखिए इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ से देखिए, अब धागा लगाने का तरीका ये होता है कि हम इस तरीके से पट्टी को फैलाएंगे, नेक्स्ट पट्टी को उस पट्टी के बीच में रखते हुए इस तरीके से देखिए गोल राउंड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन इसमें जो है हमारी पट्टियाँ मिल गई। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से पलट देंगे और सीधी साइड से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस धागे को उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और पलट देंगे यहाँ से। अब सीधी साइड से लेंगे यहाँ से, देखिए इस तरीके से अब इस डिज़ाइन को देखिए ध्यान से चेकआउट कीजिएगा। देखिए यहाँ से इस तरीके से पलट लेंगे, अब बिल्कुल न्यू डिज़ाइंस बनने वाली है यहाँ से। तो अभी तक की तो बिल्कुल सिंपल तरीका था। ठीक है, अब आगे के डिज़ाइंस देखिए। अब देखिए यहाँ से हम इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए इस तरीके से 9, जैसे हमने फर्स्ट कली में बताया है सेम प्रोसेस को हम इसमें भी करेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम इन फंदों को एक साथ में बुनेंगे यहाँ से, और यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से। अब इस फंदे को उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और यहाँ से देखिए एक फंदा लेंगे और यहीं से पलट लेंगे लास्ट में,
और यहाँ से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एक पंद्रह, और यहाँ से हम पलट लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसी तरीके से दो दो करके हम ऊपर की साइड तक की कम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती जाएगी, और इसी प्रकार से हमारी कंप्लीट डिज़ाइन बनेगी सभी कलियों को। इसके बाद अब येलो लगाएंगे, फिर इसे लगाएंगे, इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन गोल राउंड में बनके रेडी होगा।